आज बेटा न्यूमेरिकल है बीट फ्रीक्वेंसी के। इसके लिए आप सबसे पहले बताइए ट्यूनिंग फोर्क आपने देखी है, ट्यूनिंग फोर्क कैसी होती है? ट्यूनिंग फोर्क देखिए, ये होती है ट्यूनिंग फोर्क। ये सबने देखी होगी। जब इस ट्यूनिंग फोर्क को हम किसी रबर पैड पे मारते हैं तो इसकी आर्म्स जो हैं ये वाइब्रेट करती हैं, वाइब्रेट करती हैं तो उनमें से साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसे कहते हैं ट्यूनिंग फोर्क। आज हम क्या सीखेंगे, अगर इस ट्यूनिंग फोर्क के एक आर्म पर वैक्स लगा दिया जाए तो वो आर्म भारी हो जाएगा, तो एक सेकेंड में ऑसिलेशंस कम हो जाएंगे, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क पर वैक्स लगाने से वो आर्म भारी हो जाती है जिससे फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ये नोट क्लियर। अगर हम ट्यूनिंग फोर्क की एक आर्म को स्क्रैप कर दें, रब कर दें तो पतली हो जाएगी, तो हल्की हो जाएगी, और हल्की हो जाएगी तो एक सेकंड में ऑसिलेशंस वाइब्रेशंस ज्यादा होंगे, तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगी। ट्यूनिंग फोर्क की आर्म को रब करने पर वो आर्म हल्की हो जाती है जिससे फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। कोई दिक्कत इन दोनों नोट्स में? नहीं। चलिए अब न्यूमेरिकल पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, इसके न्यूमेरिकल्स भी करने का बिल्कुल अलग तरीका है। अभी तक आप जितने भी फिजिक्स में न्यूमेरिकल किए हैं उनसे बिल्कुल अलग। फर्स्ट न्यूमेरिकल है व्हेन अ ट्यूनिंग फोर्क इज साउंडेड विथ Another fork of frequency 384 hertz. When a tuning fork, तो पहली ट्यूनिंग फोर्क का नाम हमने लिख दिया A. तो when tuning fork A sounded with tuning fork B, whose frequency is 384 hertz, then 6 beat produces per second. बस यहां रुक जाती है। देखना, आपसे कहा गया ट्यूनिंग फोर्क A को ट्यूनिंग फोर्क B के साथ साउंडेड किया गया, दोनों को एक साथ बजाया गया तो कितने बीट सुनाई दिए? मतलब ट्यूनिंग फोर्क ए और ट्यूनिंग फोर्क बी की फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस है? 6 बीट्स पर सेकेंड। याद है बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती थी? F1 माइनस डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी। तो 6 बीट सुनाई दिए, इसका मतलब ए
और बी फॉर्क की फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस है? 6 बीट्स। इतना आपको क्लियर हुआ हो तो आगे चले। फिर सुन लीजिए, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क बी कितनी गिवन है? 384 हर्ट्ज। तो प्रोबेबल फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क ए क्या होंगी? 384 प्लस माइनस 6। नहीं आई समझ में? दोनों की फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस है? 6 का। उनमें से एक की फ्रीक्वेंसी 384 है तो दूसरे की कितनी होगी? या तो इससे 6 ज्यादा या इससे 6 कम। डिफरेंस तो 6 का ही है ना, अभी भी नहीं आई बात समझ में? तो ए की प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हो सकती हैं? इसमें 6 ऐड करूं तो 390 हर्ट्स, या फिर 378 हर्ट्स। इतना आपको झपा नहीं झपा? झपिया समझ में आ गया कि ए की जो प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज है वो या तो ये है या ये। अब पूरे न्यूमेरिकल में हमें बस ये डिसाइड करना है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है, कौन सी फ्रीक्वेंसी हमारे न्यूमेरिकल में फिट होती है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। व्हेन वैक्स इज अटैच्ड टू फर्स्ट फॉर्क, फिर रुक गए। व्हेन वैक्स इज अटैच्ड ऑन फर्स्ट फॉर्क, इस पे क्या लगा दी? वैक्स। जब इस पे वैक्स लग जाएगी तो इसकी ये जो फ्रीक्वेंसी थी या तो ये कम हो जाएंगी या ज्यादा हो जाएगी। वैक्स लगाने पे भारी हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है। ठीक, तो ऑन अप्लाइंग wax on fork A, on applying wax on fork A, पहले हम बात कर रहे हैं टेबल में 390 हर्ट्ज की, और इसके बगल में बात करेंगे हम 378 हर्ट्स की। अगर सही फ्रीक्वेंसी ये है तो वैक्स लगाने के बाद प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या होंगी? वैक्स लगाने के बाद देखना क्या होंगी, 389 हो सकती है, 388 हो सकती है, 387 हो सकती है, 386 हो सकती है। चार लेनी प्रोबेबल, ये चार हो सकते हैं अगर ये फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में है। अगर ये फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो क्या होंगी वैक्स लगाने के बाद? 377, 376, 375, 374। यहां तक आपकी समझ में आया कि वैक्स लगाने के बाद प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज ये हो सकती हैं। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया, आफ्टर अप्लाइंग वैक्स इट अगेन प्रोड्यूसेस विथ फॉर्क बी, इसके साथ दोबारा बजाया। पहले बजाया था तब कितने बीट्स हो रहे थे? 6। वैक्स लगाने के बाद बजाया तो अब हो रहे हैं 4 बीट्स। नंबर ऑफ बीट्स क्या हो गए? कम हो गए।
अब बीच कितने हो रहे हैं, चार। ठीक, तो जरा ये बताओ, पहले ये थी फ्रीक्वेंसी, वैक्स लगाई तो इनमें से कोई है, और इसे किसके साथ बजाया, किसके साथ बजाया, डिफरेंस बी की फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी 384। तो अब बताओ जरा कितने बीट्स आ रहे हैं यहां से, इसमें इसको माइनस करो कितने बीट्स हुए। अब यहां, यहां अगर ये आंसर सही है तो वैक्स लगाने के बाद ये हुई फ्रीक्वेंसी, इसे किसके साथ बजाया, बी के साथ। ये डिफरेंस का साइन होता बेटा, डिफरेंस मतलब आंसर माइनस में नहीं आएगा। बी की फ्रीक्वेंसी वही है 384, ये कभी चेंज नहीं होगी। अब बताओ आंसर क्या क्या आएंगे, 7, 8। अब मेरी बात को सुनना, अगर फ्रीक्वेंसी 390 हर्ट्ज हमारा आंसर है तो वैक्स लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स कम हो जाएंगे। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी 378 हर्ट्ज हमारा आंसर है तो वैक्स लगाने के बाद नंबर ऑफ बीट्स बढ़ जाएंगे। हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, पहले 6 थे बीट्स, अब 4 बचे, तो नंबर ऑफ बीट्स हमारे क्वेश्चन में क्या हो रहे हैं, कम। तो इसके बाद हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आफ्टर अप्लाइंग वैक्स नंबर ऑफ बीट्स आर डिक्रीजिंग, सो द राइट आंसर इज 390। ये आंसर हो गया। अगर क्वेश्चन में कहा जाता पहले 6 हो रहे थे अब 10 होने लगे, तो हम क्या लिखते, अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आफ्टर अप्लाइंग वैक्स नंबर ऑफ बीट्स आर इंक्रीजिंग, सो द राइट आंसर इज। अभी भी नहीं आई बात समझ में, तो पहले क्या निकाली जाती है, प्रोबेबल दो फ्रीक्वेंसी, फिर देखा जाता है क्वेश्चन में वैक्स लगाया गया कि क्या किया गया, वैक्स लगाया गया तो दोनों प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज को डिक्रीज किया आपने, डिक्रीज करके चार चार प्रोबेबिलिटी ले ली। ठीक, इसके बाद उठाई वापस से फोर्क बी, उसे साउंड कराया साथ में, एक जगह बीट्स इंक्रीज होंगे तो एक जगह बीट्स डिक्रीज होंगे, क्वेश्चन में अगर बीट्स डिक्रीज हो रहे होंगे तो ये आंसर हो जाएगा, इंक्रीज हो रहे होंगे तो ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए से फिर लिखवाते हैं क्या लिखना है। माइनस 5 प्लस 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 5
देखिए, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन नंबर ऑफ बीट्स आर डिक्रीजिंग, नंबर ऑफ बीट्स आर डिक्रीजिंग आफ्टर अप्लाइंग वेट्स. So the right frequency of fork A is 390 hertz. ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन पहले सुनिए, इसी में मैं चेंज कर रहा हूं कुछ, इसी क्वेश्चन में चेंज करूंगा. चलो, दो ट्यूनिंग फोर्क हैं ए और बी, जिनमें से बी की फ्रीक्वेंसी है 512 हर्ट्ज. 512 हर्ट्ज. जब ये ए के साथ साउंड किया तो 5 बीट्स प्रोड्यूस हुए. कितने बीट्स हुए? 5. तो क्या आप बताएंगे ए की प्रोबेबल फ्रीक्वेंसीज क्या क्या हुई? 517 हर्ट्ज, या फिर 507 हर्ट्ज. इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा. ठीक, नाउ फोर्क ए इज स्लाइटली स्क्रैप. फोर्क ए को अब क्या किया? घिस दिया, स्क्रैप्ड कर दिया. तो जब फोर्क ए को स्क्रैप्ड कर देंगे, तो ऑन रबिंग फॉर्क ए फ्रीक्वेंसी अगर 517 हर्ट्स है, तो रब करने के बाद ये क्या होगी? इंक्रीज. तो 517 से इंक्रीज होके क्या क्या हो सकती प्रोबेबिलिटी? 518, 519, 3 काफी. अगर केस ये वाला है 507 वाला, तो रब करने के बाद 507 क्या हो जाएगा? 508, 509 या 510. अब बताओ कितना आपकी समझ में आया? इतना तो आया. रब करने के बाद आम हल्की हो जाती है, उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है. तो अगर सही फ्रीक्वेंसी 517 है, तो रब करने के बाद ये हो सकती है. अगर सही फ्रीक्वेंसी 507 है, तो रब करने के बाद ये हो सकती है. अब इसे दोबारा बजाया किसके साथ?
5/2 के साथ। तो अब बताओ क्या क्या आएंगी बीट्स? 6। मतलब यहां बीट्स इंक्रीज हो रहा है। यहां दोबारा 5/2 लें अगर तो क्या क्या आएंगी? 4, 5, 3, 2 बीट्स। तो यहां बीट्स क्या हो रहे? डिक्रीज। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। नाउ नंबर ऑफ बीट्स आर इंक्रीजिंग। क्वेश्चन में क्या हो रहा है? नंबर ऑफ बीट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो कौन सा केस सही है? क्या लिखेंगे? अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन आफ्टर रबिंग नंबर ऑफ बीट्स आर इंक्रीजिंग, सो द राइट फ्रीक्वेंसी इज 5/7। कर लीजिए। हो गया, लिख लीजिए। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन नंबर ऑफ बीट्स आर इंक्रीजिंग आफ्टर रबिंग फॉर ए। नंबर ऑफ बीट्स आर इंक्रीजिंग आफ्टर रबिंग फॉर ए, सो द राइट आंसर इज 517 hertz। अगला क्वेश्चन सुनिए ध्यान से। ये तो वो थे जिनमें वैक्स अप्लाई करी या रब किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया वी हैव 16 ट्यूनिंग पॉट। बहुत ध्यान से सुनना, कमाल का क्वेश्चन है ये भी। वी हैव टोटल 16 ट्यूनिंग पॉट, ठीक, एंड द डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव फ्रीक्वेंसीज इज 8 बीट्स पर सेकेंड। 16 क्या है हमारे पास? ट्यूनिंग पॉट्स। पहली और दूसरी की फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस है? डिफरेंस बिटवीन टू, डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज बिटवीन टू सक्सेसिव फॉक्स, एक के बाद एक आने वाली दो फॉक्स की फ्रीक्वेंसीज में कितना डिफरेंस है? 8 बीट्स पर सेकेंड, ठीक है। मतलब पहली दूसरे की फ्रीक्वेंसी में 8 बीट्स,
सेकेंड थर्ड के बीच में, सेकेंड थर्ड की फ्रीक्वेंसीज के बीच में भी ए, थर्ड और फोर्थ की फ्रीक्वेंसी के बीच में भी ए। तो मुझे पहले ये बताइए कि इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्क इज एन, पहली फ्रीक्वेंसी है एन पहली फोर्थ की, तो दूसरे की क्या होगी? एन प्लस 8 ही होगी, माइनस 8 तो नहीं होगी, बढ़ती जाएगी ना फ्रीक्वेंसी एक के बाद एक, तो दूसरे की क्या होगी? देन फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड फोर्क इज एन प्लस ए। समझ में आया? पहली की फ्रीक्वेंसी एन है तो दूसरे की एन प्लस 8 होगी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में गिवन है, इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब बढ़ती हुई है, तो पहले की एन तो दूसरे की एन प्लस 8, डिफरेंस कितने का आया? 1 का। तीसरे की क्या होगी? एन प्लस 16। फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड फोर्क एन प्लस 16, फोर्थ की क्या होगी? 8 8 इंक्रीज कराना है, एन प्लस 24। तो आराम से ठंडे दिमाग से सोच के बताओ, फ्रीक्वेंसी ऑफ 16th फोर्क क्या होगी? एन प्लस 120। कैसे पता लगाया? हर बार फ्रीक्वेंसी कितनी इंक्रीज हो रही है? 8 टाइम्स। तो पहली फ्रीक्वेंसी थी अगर एन, तो दूसरी उससे 8 ज्यादा हो गई, तीसरी फिर 8 ज्यादा हो गई, तो 16th में क्या होगा? एन प्लस हर बार कितनी इंक्रीज हो रही, ऐसे ही करेंगे ना, हर बार कितनी इंक्रीज हो रही? 8। तो 16वीं बार कितनी इंक्रीज होगी? 16 to 8, तो कितना आना चाहिए? कितना आना चाहिए? क्या ये सही कर रहे हैं? कितना इंक्रीज होना चाहिए फिर? 15 into 8। ऐसा क्यों? क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने फ्रीक्वेंसी क्या ली थी? ए, तो 16 टाइम क्या होगी? 1 कम। बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। अपन क्या करते हैं? अपन ने कहा यार एन एन प्लस 8 एन प्लस, मतलब हर बार 8 का मल्टीप्लाई होता है यार, तो 16 बार में क्या होगा? 8 का मल्टीप्लाई करके लिख देते, जब भूल जाते कि पहली बार में 8 का मल्टीप्लाई हुआ ही नहीं था। ठीक, तो 16th टाइम में मल्टीप्लाई कितने का होगा? 15 का। क्लियर है? तो ये फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी? एन प्लस, यहां तक कंसेप्ट बन गया अपना? पहले इतना कर लो, फिर मैं बताऊंगा क्वेश्चन में क्या गिवन है। हाँ
क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखिए, गिवन दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ लास्ट फॉल इज ऑक्टेव, ऑक्टेव का मतलब क्या होता, 8 टाइम्स फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फॉल, ये गिवन है। तो लास्ट फॉल की फ्रीक्वेंसी क्या थी, एन प्लस 120, फर्स्ट फॉर्क की क्या थी एन, ठीक, तो एन प्लस 120 इक्वल 8 टाइम्स ऑफ एन, इसे यहां ले जाओगे तो 7n, 7 से डिवाइड करो 120 को, वन ट्वेंटी डिवाइडेड बाय 7 करो 1.14, ये आपका आंसर। क्या हो गया नेक्स्ट, अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है उसमें एयर कॉलम का काम है। एयर कॉलम क्या होता है, ये रहा एक पाइप जिसे हम कहते हैं एयर कॉलम। आपसे कहा गया व्हेन एन एयर कॉलम एट 27 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर कितना है किसका, एयर कॉलम, एंड अ ट्यूनिंग फॉर्क साउंडेड टूगेदर, एयर कॉलम के ऊपर किसे बजाया, ट्यूनिंग फॉर्क को, तो इसमें से आवाज आएगी, देन 5 बीट्स पर सेकेंड आर प्रोड्यूसर, कितने बीट सुनाई दिए, 5, मतलब अगर इस फॉर्क की फ्रीक्वेंसी है n, इफ फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इज n, देन फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम क्या होनी चाहिए, एन प्लस माइनस कितने बीट सुनाई दिए थे, 5 थे सॉरी, तो प्लस माइनस 5,
समझना यहां एक चीज, एयर कॉलम में क्या होता है, टेम्परेचर जैसे ही चेंज होता है इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, इसीलिए हमने फ्रीक्वेंसी एन किसकी मानी, फॉर्ट की, ये फिक्स रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, चेंज किसकी होगी, इसलिए हम फ्रीक्वेंसी हमेशा किसकी मानते हैं, फॉर्ट। तो 27 डिग्री सेल्सियस पे जो कहानी चल रही है उस समय एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या आई, एन प्लस माइनस 5। लेकिन एक लाइन इसके तुरंत बाद आपको गिवेन है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इज लेस देन एयर कॉलम, फॉर्क की फ्रीक्वेंसी इससे कम है। तो अब बताओ एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, माइनस तो नहीं हो सकती क्योंकि एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी फॉर्क से ज्यादा है। ये तो कहा गया फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क इज लेस का मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज मोर। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम होगी एन प्लस 5, माइनस नहीं हो सकती। ये पूरी घटना कहां खत्म हो गई, 27। आगे चलते हैं, नो बीट इज हर्ड एट -3 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अब ट्यूनिंग फॉर्क में भरी हवा, सॉरी ट्यूनिंग फॉर्क करें, एयर कॉलम में भरी हवा का टेम्परेचर अब कितना है, -3 डिग्री सेल्सियस। फिर से फॉर्क को इसके ऊपर साउंडेड किया गया, नो बीट्स हर्ट का मतलब जो फ्रीक्वेंसी फॉर्क की है वही फ्रीक्वेंसी एयर कॉलम की हो गई, इनकी फ्रीक्वेंसी में कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस नहीं है तो बीट सुनाई नहीं, नो बीट्स हर्ड। मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इक्वल एन, जितनी फॉर्क की थी उतनी ही इसकी है। क्लियर, कोई डाउट यहां तक, ये घटना कब की है, जब टेम्परेचर कितना है, 27। -3 पे क्या हो रहा, फ्रीक्वेंसी ऑफ फॉर्क कितना है, एन, नो बीट्स मींस फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम भी एन माइनस एन 0, कोई बीट सुनाई नहीं दे रहे। ठीक, यहां तक नोट कर लो पहले, फिर देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्या बेटा, वो सब नंबरिंग है, वो तो खेल। डायग्राम वाइग्राम बन गया सब बेटा, इस केस में वेलोसिटी ऑफ साउंड
इक्वल क्या होगा? अच्छा, इन वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कॉलम। इस केस में बेटा वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कॉलम, ध्यान से देखिए, v इक्वल होता है n लैम्डा। सही लिखा मैंने? 27 डिग्री सेल्सियस पर वेलोसिटी ऑफ साउंड, साउंड कहां प्रोड्यूस होगा? एयर कॉलम। एयर कॉलम में टेम्परेचर कितना है? 27। और एयर कॉलम की फ्रीक्वेंसी कितनी है? n प्लस 5। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कॉलम क्या होगा? n लैम्डा। ठीक, इस केस में क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर कॉलम v इक्वल n लैम्डा, क्योंकि यहां फ्रीक्वेंसी क्या है? n। इतना नोट कर लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि इन दोनों का रेशियो क्या आएगा? अगर मैं दोनों को डिवाइड करूं तो क्या आएगा? n प्लस 5 बाय n, सही आएगा? इतना नोट कीजिए, इसे इक्वेशन फर्स्ट दे दीजिए। हो गया यहां तक? हमें n चाहिए। अब सुनिए, n तब निकल के आएगा जब आपको वेलोसिटी ऑफ साउंड एट 27 डिग्री सेल्सियस और वेलोसिटी ऑफ साउंड एट -3 डिग्री सेल्सियस पता हो, तभी n निकल के आएगा। तो अब देखिए इस पे हम काम कैसे करेंगे। We know that velocity of sound v equal under root gamma rt by n। याद है ये फॉर्मूला? अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा है आपने, न्यूटन्स फॉर्मूला, लाप्लास करेक्शन। वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है? इस कमरे में साउंड टेम्परेचर पे डिपेंड है, तो v इक्वल अंडर रूट गामा आर टी बाय n। यहाँ t कौन सा टेम्परेचर होता है? एब्सोल्यूट, कैपिटल T है। तो ये बताइए v 27 के केस में आप क्या लिखोगे? गामा एज इट इज, r एज इट इज, t कितना? 27 के 300 अपॉन m। और v -3 के केस में आप क्या लिखोगे? गामा एज इट इज, आर एज इट इज, टी कितना? 273 -3 270 अपॉन में एम। ठीक है, मतलब वी 27 अपॉन वी -3 कितना हो जाएगा? झपा नहीं झपा, काटा पीटी करके इतना आएगा, अंडर रूट 10/9। सही है ना? ठीक, इतना पहले कर लो, क्योंकि इसके बाद कैलकुलेशन बिल्कुल अलग तरीके से होगा।
सभी लोग स्टॉप राइटिंग, यहां तक करने के बाद ध्यान से कैलकुलेशन समझ, इसको हम रख रहे हैं यहां। अच्छा एक बात समझना, यहां हमने अंडर रूट क्यों नहीं निकाला, टेन का अंडर रूट 3.1 के अप्रोक्स होता और 9 का 3.1 और 3, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था। हमारा जो आंसर आता वो सही नहीं आता। सही आंसर कैसे आता है, जब डिफरेंस बहुत कम हो तब। देखो क्या करते हैं, इसी क्वेश्चन में लगेगा एक मेथड। फिलहाल n प्लस 5 इक्वल क्या हो गया, अंडर रूट। अब एक एक स्टेप समझना मैं क्या कर रहा हूं। अभी तो इत्तेफाक की बात है कि यहां 9 आ गया, हो सकता है यहां लिखा होता 11/12 या 11/13, तो फिर दोनों में से कोई रूट से बाहर नहीं आता। तो जब बहुत पास पास की वैल्यूज हो और यहां इस तरह से नंबर हो तो क्या करेंगे, स्टेप वन समझना क्या किया, एन से अलग अलग डिवाइड किया, फर्स्ट टर्म वन बन गया, इसको लेना। लिख सकते हैं ऐसे, अंडर रूट का मतलब पावर हाफ, वन प्लस वन बाय नाइन, लिख सकते हैं। बाइनोमियल जैसी एक चीज सिखाई थी मैंने, जब फर्स्ट टर्म वन हो, सेकेंड टर्म फ्रैक्शन हो और पावर भी फ्रैक्शन, तो बाइनोमियल लगती है। क्या हो जाएगा, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/9। बाइनोमियल में क्या होता है, जो फ्रैक्शन की पावर है वो फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो जाती है। क्या फायदा हुआ, कैंसिल, 18/5 जा, ये आपका आंसर हो गया। कोई और मेथड आप यूज करोगे तो उससे आंसर आपका नहीं आएगा, अप्रोक्स वैल्यू चलेंगी लेकिन ये आंसर कभी नहीं आएगा, नहीं इससे काफी डिफर करेगा आपका आंसर, इसलिए आपको ये मेथड फॉलो करना है, समझे। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में आपको जब एयर कॉलम और ट्यूनिंग फॉर साथ साथ है तो हमेशा आपका यही मेथड फॉलो होगा। क्लियर,